नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर चार्ट में वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी नेटिव की लाइफ में, उसकी रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो कोई भी प्लैनेट अगर आपको रेट्रोग्रेड मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ की कुछ धुंधली मेमोरीज आप इस लाइफ में भी लेके आए हो, मतलब वो जो है वो बहुत कार्मिक प्लैनेट है आपके चार्ट का। जैसे अगर वीनस आपका रेट्रोग्रेड है तो दैट मींस कि आप रिलेशनशिप्स और इन चीजों को पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज्यादा सफर किया है इस फील्ड में, जिस वजह से ये लाइफ में क्या होता है, वीनस रेट्रोग्रेड जिन लोगों का होता है वो जल्दी लोगों पर भरोसा करने में उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं क्योंकि उनके मन में जो भय होता है कि लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे या फिर से जो है मतलब इस तरीके का हमको दुख जो है वो ना झेलना पड़े, तो ये लोग जो है थोड़ा सा एक मतलब इनके मन में जो है भय रहता है कि मतलब ऐसा ना हो कि फिर से जो है कोई हमको रिलेशनशिप में चीट करे या हमको रिलेशनशिप की वजह से दुख उठाना पड़े। तो आप खुद देखिए कि आप अपने पास्ट लाइफ से ये मेमोरीज लेके आए हैं कि आपका वीनस जो है इसीलिए वो आपको चार्ट में रेट्रोग्रेड मिला है। क्योंकि देखिए वीनस रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो कर्म है, अगर हम बोले कि क्या कर्म है वीनस रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, तो आप एक चीज देखेंगे कि एक कार्मिक पैटर्न होता है इन नेटिव्स की लाइफ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, ये लोगों के पास आप देखेंगे कि बहुत लोग जो है वो इनको अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं रिलेशनशिप के ऑफर के लिए, लेकिन ये लोग जो है ये लोग बैक डाउन कर जाते हैं। ये लोग जल्दी किसी का जो है लव प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से खुले मन से, क्योंकि इनके मन में एक ऐसी फीलिंग होती है कि सामने वाला जो है वो अगर हमको इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है ये सब, तो जरूर उसको जो है मतलब कोई ना कोई उसके पीछे वजह होगी, कोई स्वार्थ होगा उसको। इस वजह से ये लोग आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग रिलेशनशिप में ये लोग होते हैं जो क्विट कर जाते हैं रिलेशनशिप से, या ये लोग जो है ऑफर को डिनाई कर देते हैं। अगर सामने से किसी ने इनको प्रपोज किया तो ये लोग मना कर देते हैं कि हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, हम कमिटमेंट करने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं, मतलब ये लोग सीधे से मुंह पे मना कर देंगे कि हम कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं। आप वैसे अगर आपको रिलेशनशिप रखना है आप रखिए, लिव इन में आपको रहना है रहिए, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। तो आप देखेंगे कि वीनस रेट्रोग्रेड जो है ये लिव इन रिलेशनशिप्स का भी कारक है। क्यों? क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में रिलेशनशिप की थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी का वीनस जो है वो सेवेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो सेवेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड वीनस है और राहु के नक्षत्र में हो जाए या राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए, वो कंडीशन में तो आप देखेंगे कि सामने वाला जो है वो अपोजिट सेक्स से बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा। अगर मेल है तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से, मतलब बिल्कुल वो जो है उस अपोजिट सेक्स से उनको जो है आप कह सकते हैं जैसे चिड़ जैसा हो जाना कि अगर लड़की है तो मेरे को लड़के नहीं पसंद है, मतलब मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। तो कई बार ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको इस तरफ भी ले जाता है, सेम सेक्स की तरफ भी ऐसे लोग जो है उनके चांसेस रहते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि वो अपोजिट सेक्स से इतना ज्यादा घृणा करने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने सेटबैक्स देख चुके होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि वीनस जो है सपोज कर लीजिए राहु के साथ नहीं है, सेवेंथ हाउस में जो है वो रेट्रोग्रेड बैठा है, वो कंडीशन में आप देखेंगे कि क्या होता है कि ऐसा जो नेटिव है उसका वीनस की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा में जरूर रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई इशू आता ही आता है। और जब वो इशू आता है, उस आदमी को वो दुख मिलता है, तो उसका बिल्कुल ही भरोसा जो है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर से हट जाता है। तो ये भी एक कारण है कि वीनस अगर सेवेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड है तो फिर ये कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
मतलब ये हो सकता है आदमी को सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट कर दे अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो। अदरवाइज मतलब ऑल इन ऑल अगर हम बात करते हैं तो वीनस रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि आप एक ह्यूज कार्मिक वो लेके आए हैं, एक बैगेज लेके आए हैं जो कि आपको चुकाना है, लेकिन आप पास्ट लाइफ की मेमोरीज जो आपकी हैं उसकी वजह से आप यहाँ पे इतना फियर महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए या रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि जिन लोगों का वीनस रेट्रोग्रेड है, आप जो है मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कीजिए। हर मतलब इतना जो है किसी भी चीज को डरना या पीछे हट जाना, क्विट करना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप फिर पैदा होंगे सेम रेट्रो वीनस लेके। क्योंकि आपको जो कर्म इस लाइफ में डिस्पोज करना है वो आप अगर करने से हिचकेंगे, क्योंकि देखिए वीनस अगर रेट्रो है तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में भी बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ भी सीधी सी बात है कमिटमेंट पे ही चलती है, वो भी एक रिलेशनशिप है। और बहुत आप ये समझ लीजिए तीन रिलेशनशिप्स, जैसे माता पिता बच्चे का या हस्बैंड वाइफ का, तो ये रिलेशन ऐसे रिलेशन है जो बहुत लंबा पूरी लाइफ चलते हैं आपके साथ। तो वहां पे अगर कमिटमेंट के इश्यूज रहेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैरिड लाइफ किस तरीके की रहेगी। तो मेरा सजेशन यही है कि ये लाइफ में आपको ये कर्मा डिस्पोज करना है, तो आप जो है इतना जजमेंटल मत होइए। अगर सामने से कोई आपको प्रपोज करता है और आपको वो जेन्युइन प्रपोजल लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि मेरे साथ ऐसा फिर से ना हो जाए या फिर हो सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग से हटा दीजिए। उसके बाद जो है तब आपका जो ये वीनस से जुड़ा हुआ कर्मा है वो इस लाइफ में डिस्पोज होगा। और मेल चार्ट्स में तो स्पेशली आपका आपकी वाइफ के साथ इतना ह्यूज कार्मिक रिलेशनशिप है कि आपको उसको ये लाइफ में डिस्पोज करना है कार्मिक, जो भी आपके कर्म है अपनी वाइफ के साथ। तो मेरा सजेशन यही है कि थोड़ा सा अपने मन को खोलिए, हिम्मत कीजिए और अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आइसोलेशन में मत ले जाइए अपने किसी भी रिलेशनशिप को। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो वीनस के रेट्रोग्रेशन को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।